हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूपी ट्रिपल्सी के बारे में। क्योंकि दोस्तों, यूपी ट्रिपल्सी ने आज एक आपका नोटिस जारी किया है। वो जारी किया गया आपका, आपको याद होगा, परीक्षा थी आपकी सम्मिलित तकनीकी सेवा अधिकारी, उसके से संबंधित सेवा अधिकारी 2016। तो देखते पहले आपको नोटिस देखें, नोटिस क्या है आपका। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 23 परीक्षा 2016 द्वारा सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त तकनीकी सेवा के कुल 292 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर रखा है आयोग की आवश्यक सूचना संख्या दिनांक 30 सितंबर 2019 द्वारा अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित उक्त विज्ञापन के पाठ्यक्रम को यथावत रखते हुए शासन से अनुमोदित संशोधन परीक्षा योजना अभ्यर्थियों से सूचना के सूचनाएं निम्नवत हैं। यानी कि जो आपके संशोधन परीक्षा योजना जो आपकी इस तरह से दोस्तों आपकी होगी कि जो भाग एक की बात करें, सामान्य हिंदी आपकी पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। भाग दो आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण होगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और सामान्य जानकारी यानी कि GS आपका GK 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और साथ में दोस्तों ट्रेड के विषय से संबंधित प्रश्न आपके होंगे 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के। यानी कि पूरा पेपर आपका 100 नंबर का होने वाला है, 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और साथ ही 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है। और समय दिया जाएगा आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर इसके लिए आप सामान्य बुद्धि परीक्षण पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली रात को 8 बजे वीडियो मिलती है आपको, जहाँ पर आपके BD 2018 एग्जाम के लिए, PET 2022 और या आपका UPSC, इन सभी के लिए आपके लिए रीजनिंग की फ्री क्लास स्टार्ट की जा रही है हमारे चैनल पर, जहाँ पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर जाकर आप हमारी वीडियो पढ़ सकते हो। और तो साथ ही बता दूँ, पहले पता होगा जिसका एग्ज़ाम था वो आपका 7 तारीख को होने वाला था, 7 अगस्त को, लेकिन उस दिन आपका UPSC का एक एग्ज़ाम था जिस कारण इस एग्ज़ाम को आपका पोस्टपोन कर दिया गया था। तो दोस्तों हो सकता है बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम डेट संबंधित नोटिस आपको देखने को मिल जाए। इसे जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।